हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग आज जो स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स का पेपर हुआ है उसका जो एमसीक्यूज़ है, एमसीक्यूज़ का आंसर कौन सा ऑप्शन सही है वो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, सीबीएसई का तीनों सेट में जो एमसीक्यूज़ है टोटली डिटो सेम, सब कुछ सेम है, सिर्फ क्वेश्चन नंबर इधर उधर किया है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर वन। ये सेट टू का जो स्टैंडर्ड मैथ्स का पेपर है उसमें सेट टू इसका सॉल्यूशन देखिए। क्वेश्चन नंबर वन का आंसर है ऑप्शन डी। देखिए के का वैल्यू अगर 10 हो जाए तो ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है वो इनकॉन्सिस्टेंट हो जाएगा। स्टूडेंट्स ऑप्शन टू बोले द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स। देखिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि देखिए सम ऑफ रूट्स करिए तो माइनस एम कॉमा एम प्लस थ्री, इसको ऐड करेंगे तो 3 मिलेगा, और माइनस बी बाई ए दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स देखिए प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा, माइनस एम इंटू एम प्लस थ्री। ऑप्शन बी में देखिए माइनस एम इंटू एम प्लस थ्री, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट होगा माइनस एम इंटू एम प्लस थ्री, और देखिए वहाँ पे फॉर्मूला से दैट इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा, सी बाई ए रूट्स मतलब जीरोज। ओके दैट इज एम इंटू एम प्लस थ्री माइनस एम इंटू एम प्लस थ्री, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। और क्वेश्चन नंबर थ्री यूक्लिड डिवीजन लेमा, इसमें ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर फोर देखिए 196 का प्राइम फैक्टराइजेशन करिए। देखिए स्टूडेंट्स 196 को अगर फैक्टराइज करेंगे तो 196 इक्वल टू यू कैन राइट 2 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर। देखिए 2 के पावर में क्या है 2 और 7 के पावर में क्या है 2, तो एक्सपोनेंट मतलब पावर, 2 का पावर कितना है 2 और 7 का पावर कितना है 2, तो 2 का पावर 2 और 7 का पावर 2 अगर ऐड करेंगे तो 2 + 2 दैट इज 4, दैट इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, यहाँ पे दो पॉइंट ए भी गिवन है, इसको पी 3:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है, इससे वाई का वैल्यू ऑप्शन डी आएगा। ओके इंटरनली डिवीजन का फॉर्मूला आप अप्लाई करिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए एक्स एक्सिस का रिफ्लेक्शन हो जाएगा ऑप्शन सी दैट इज -3, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट -3.5 सेकेंड क्वाड्रेंट पे है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट का रिफ्लेक्शन क्या थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, तो -3.5 इज द आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, तो एक्स एक्सिस में पॉइंट कैसे देखने में होता है 1.0, तो स्टूडेंट्स एक्स एक्सिस के ऊपर पी को मान लीजिए 1.0, तो पी ए डिस्टेंस और पी वी डिस्टेंस इक्वल करके एक्स का वैल्यू ए का वैल्यू आएगा 2, तो 1.0 माने थे तो 2.0 इज द आंसर। 7 का 1 ए ए ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 में एनथ टर्म क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, फर्स्ट टर्म क्या है ए और कॉमन डिफरेंस क्या है 2 ए, तो यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो ए और डी का वैल्यू पुट करेंगे तो 2n-1 इंटू ए इज द आंसर। और क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में फर्स्ट टर्म क्या है 1/p और सेकंड टर्म क्या है 1-p/p दैट इज स्टूडेंट्स सेकंड टर्म क्या है 1-p/p, आप स्प्लिट कर दीजिए 1/p-1 लिख सकते हैं, तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करेंगे तो ऑप्शन सी इज द आंसर दैट इज -1। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, तो वो जो 0.04 को आप पॉइंट को रिमूव कर लेंगे तो 4/100 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4/100, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा +-2/10। ओके क्योंकि स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4/100, इसका मतलब क्या एक्स का वैल्यू क्या होगा +-2/10 रूट अंडर 4/100 दैट इज +-2/10, और 2/10 मतलब 0.2 दैट इज +-0.2 इज द आंसर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर।